दोस्तों आज ना ही कोई कॉमेडी होगी और ना ही किसी हुतिए की क्लास ली जाएगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने जन्म तो इंसान के रूप में लिया लेकिन भगवान कहलाए। एक अनुपम भाई, एक महान पति, एक सुपर आज्ञाकारी पुत्र का किरदार निभाया। अपने पिता के द्वारा दिए गए वचन का पालन करने के लिए 14 साल महल का ऐशो आराम छोड़कर अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाप्रतापी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। श्री राम राजकुमार राम से प्रभु श्री राम तभी कहलाए जब वो महल का ऐशो आराम छोड़कर 14 साल के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। रावण जैसे दुष्ट का वध किया। श्री राम के अंदर कई गुण थे जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। श्री राम एक महाप्रतापी महावीर होने के बावजूद शील से भरे हुए इंसान थे जिन्होंने इस समाज को एक नई सीख दी, एक नई शिक्षा दी और पूरी दुनिया आज उनको जानती है। श्री राम के अंदर इतने गुण होने के बावजूद एक ऐसी अनुपम चीज थी जो आज तक इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं महावीर, एक ऐसे भगवान की जिनके आगे सारे संकट सारे दुख क्षण भर में खत्म हो जाते हैं। महान श्री हनुमान जी, श्री राम को किसी भी मुसीबत से मुक्त कराने में, उससे पार पाने में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा तो उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी का रहा है। एक छलांग में सागर लांग जाने वाले ऐसे महावीर के बारे में मैं आपके सामने एक प्रसंग प्रस्तुत करना चाहूंगा। दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, उसको अपने जीवन में कभी ना कभी परीक्षा देनी पड़ती है। उसको ये प्रमाण देना पड़ता है कि वो उस काबिल है कि नहीं। ये किस्सा भगवान हनुमान जी के साथ भी हुआ। जब श्री राम जी रावण को हरा कर माता सीता को लेकर अयोध्या वापिस आए तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से ये कहा कि ये हनुमान है, हर मुसीबत से मुझे मुक्त कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनको कुछ उपहार दिया जाए। माता सीता ने अपने गले से अनुपम मोतियों की माला, अनमोल मोतियों की माला उनको प्रस्तुत की, उनको आशीर्वाद स्वरूप दिया। हनुमान जी ने उस माले को तोड़कर एक एक मोती निकालकर उसमें देखते और उसको फेंक देते, फिर दूसरी मोती निकालते उसको फेंक देते। हनुमान जी के इस व्यवहार को देख करके माता सीता को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान ये क्या व्यवहार है, ये हरकत क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें अनमोल मोतियों की माला दी और तुमसे तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हो। हनुमान जी ने कहा, माता मैं इन मोतियों में भगवान श्री राम की छवि देखने की कोशिश कर रहा हूँ परंतु मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ये मोती मेरे लिए व्यर्थ है, बेकार है। पिताजी को और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुम श्री राम के बहुत बड़े भक्त बनते हो, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहते हो, तुम्हारे अंदर श्री राम की छवि है कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है। हनुमान जी ने एक क्षण देर किए बिना अपना सीना चीर करके सबके सामने प्रत्यक्ष दिखाया उनके सीने के अंदर श्री राम और माता सीता की छवि है। तब माता सीता ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जब तक ये ब्रह्मांड है तुम इस धरती के, इस ब्रह्मांड के सबसे अनन्य भक्त के रूप में जाने जाओगे। भक्तों की जब भी गिनती होगी तब सबसे ऊपर स्थान श्री हनुमान जी का आएगा। ऐसे बड़े भक्त, ऐसे बड़े हनुमान जी जिनके साथ हों उनका विजय तो निश्चित है। माता सीता को यह ज्ञात था कि जो वानर एक छलांग में पूरा समुद्र लांग कर लंका में प्रवेश कर सकता है, अशोक वाटिका को तहस नहस कर सकता है, पूरे लंका का दहन कर सकता है, अक्षय कुमार जैसे वीर एवं प्रतापी राक्षस को क्षण भर में मिट्टी में मिला सकता है, ऐसा वानर किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल मैं भगवान, कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका अनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। आज रामनवमी है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी आपके जीवन से सारे कष्टों का निवारण करें, आपके सारे दुख दूर करें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।